लोग वो गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है, बड़े दिन के बाद गाड़ी को स्टार्ट किया। आज जरा जा रहे हैं मार्केट में तो सामान लाना है थोड़ा, और कटिंग करवानी है, देखते टाइम लगेगा तो कटिंग भी करवाएंगे। मम्मी पापा दीदी सब जा रहे हैं, बालों को तो हाल ही बहुत गंदा हो गया है। सबसे पहले ऐसे करते परफ्यूम लगाते हैं, गाड़ी में परफ्यूम भी पड़ा है। देखो ये बताओ किसका है, ये जिस बंदे का परफ्यूम होना वो करेगा मुझे मैसेज कि भाई परफ्यूम मत लगा मेरा, अगर उसको पता कि उसका परफ्यूम जो मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ तब भरा हुआ है वैसे पूरा। ये सो मम्मी पापा खड़े हैं उधर, दीदी भी खड़े हैं, चलते हैं तो फिर गाड़ी निकालते हैं बाहर। गेट खोला हुआ था मैंने, फिर वो गलती से बंद कर दिया अंकल ने। पापा खोल रहे हैं गेट दोबारा, निकालते हैं गाड़ी बाहर। कोट पेंट भी देना था ड्राई क्लीन करवाने को, पर वो मैं लेके ही नहीं गया। कोट पेंट भी देना ड्राई क्लीन कराने को ना, नहीं दिता उस दिन, नहीं दिता तो फिर करता नहीं ना बीबी, बाद चो टाइम नहीं होता। दिन तो है हल्ला 2-3 महीने, इसको तो ले ही चलते हैं साथ में, दे देते हैं ड्राई क्लीन करवाने को। नहीं यार ये भी थोड़ी है। हेलो हेलो दीदी जी, ये मम्मी साड़ी, मम्मी ठीक हो? डैडी जी, डैडी तो कुछ भी नहीं बोलते मैंने। क्या बोला डैडी जी? मैं बोला मैं भी कराना ट्रीटमेंट, मैं हल लगी। नहीं नहीं हुन तुसी क्या पूछा देख, क्या क्या बोल दी सीखा, क्या बोल दी, क्या बोला तुसी बार मैं पूछा तो क्या बोला, क्या मैं बोला ब्लॉग चला मैं डैडी जी नु, अंकल जी चलना तुसी थल्ले नु। अच्छा जी, सो भाई मम्मी पापा को उतार के मैं जा रहा हूं बाल कटवाने। कटवाया तेरे थोड़े बाल यार अच्छे भी नहीं लग रहे बिल्कुल, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। एक तो सावन का महीना था पहले भोलेनाथ का, तो बाल नहीं कटवाए, फिर टाइम नहीं लग रहा था। अब सोचा दौलतपुर में आ तो गया ही हूँ तो कटवा जाता हूँ जाके, देखते अगर बंद होगा फिर तो नहीं कटवाएंगे, खुले हो तो कटवाएंगे जाके। भाई मैं पहुंच ही गया था पर एक काम और याद आ गया, कोट पेंट लेके आया हूँ ड्राई क्लीन करवाने के लिए, वो तो दिया ही नहीं, वहां से वापिस आना पड़ा, इसको दे के फिर चलते हैं। तब भाई अब जब दुकान ना बंद हो के यही दिक्कत है, बस दुकान बंद होगी तो काम खराब हो जाएगा। तो भाई लो कोट पेंट तो दे दिया है, कम से कम एक आधा महीना तो लग ही जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, हमें शादी नवंबर में है तो कर लेंगे हम एडजस्ट, हमने कौन से डाउन नहीं कहीं। चलते हैं तो भाई बाल कटवाते हैं, चल के दुकान तो खुली है भाई की। ये देखो यू महाराज, और भाई ठीक हो? चलो बढ़िया जाए भाई, चलते हैं भाई बाल कटवाते हैं, चलते हैं। भाई नहीं कुछ गए भाई, आज भी जाना कुछ नहीं करते सही पाए थे इनकी दुकान पर, हूँ क्या करिए फिर। चलो मैं 5 मिनट मिलते तो ठीक है तुझी बढ़िया बढ़िया ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, ओके जी ओके। चलो भाई चलते हैं घर को अब। बाबे अभी बंदा तो मिले नहीं है, नहीं था ब्लॉग तो बन रहा है, ब्लॉग नहीं कैंसिल होगा, ये बनते ही रहेंगे अब। और ये देखिए इनको मिलिए, ये यहाँ के मोस्ट पॉपुलर बनते हो चुके हैं। और महाराज ठीक है, महाराज जी तुम तो मिले नहीं भाई, मैं पहले जब मैं पहुंचा के तब भाई इधर ही था, अब जैसे दोबारा आया तो पता चला कि भाई है ही नहीं, घर चला गया कहीं। 3:17 हो गए, 5:30 आएंगे अब, तभी कटवाएंगे बाल आके। मुझे पता जरा भी अच्छे नहीं लग रहे यार, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और गर्मी इतनी है कि बालों से पसीना आता है सारा। पापा भी फ्री हो गए उधर, मम्मी भी फ्री हो गई, तो फोन आ गया उनका कि भाई आ जाओ। तो यार गाड़ी लेके आने का पंगा ये होता है कि जाम इतना लगता है ना दौलतपुर में, 15-20 मिनट ना ऐसे खराब हो जाते हैं। देखो अब ये देखो लग गया जाम, क्या करें यार ऐसे ही इधर। तू देखो भाई ड्राइवरी देखो आज को बंदों की, कैसे कैसे ड्राइवर है भाई। ओ तेरी बहन हो, लानी नहीं आती चलाते, पता नहीं क्या लोकी गड्डी यार खतरनाक ड्राइवर है भाई, नाली च पाती गड्डी होनी वो देखो किधर ले गया गाड़ी पीछे। रोड पे खुद बचोगे तब तो ठीक है, अदरवाइज तो मरोगे मरोगे फिर। चलो तो चलते हैं, काम खत्म कर दिया हमने, ये रखा है हमने तेल, और डैडी जी इधर है, मम्मी उधर बैठे हैं। चलो फिर ओ जी बैठी है गर्मी बहुत है, बिना ऐसी के तो बैठे भी नहीं जाता बीच में, पर क्या करें उस गर्मी में तो बुरा हाल हो जाता है। मम्मी ने टाइम लगाना है, देखा मम्मी के साथ तभी नहीं आता, मैं दीदी के साथ आता हूँ, इनका टाइम सबसे ज्यादा लगता है। हाँ जी अगे करके लाओ रुको। लो जी होगी इनकी भी शॉपिंग खत्म, मम्मी पापा और दीदी तीनों आगे, देखते क्या क्या लेके आए, देखने खुद को सूट साट लेके आए होंगे। हूँ कितने ने चले कितने चले हूँ जी, मैंने कुछ दस दे नहीं यार, फोन का मैं गड्डी बैठ रहा हूँ यार, बड़ी बेइज्जती वाली गल, देखो खुद चली गए ना, मुझे बुला के खुद घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा। मैंने बोला था ना कल भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है इनकी अपने घर में ना, एक दिन तो पड़ेगी कदर। एक बात बताता हूँ आपको ना, जब मैं घर से निकला ना तो दीदी आ नहीं रही थी, मैंने नहीं जाना, फिर मैंने बोला चल पड़ो मम्मी भी अकेले होंगे तो चल पड़ो आप। अब ऐसे है कि घर जाने का नाम नहीं ले रहे,
पहले एक दुकान फिर दूसरी और अब तीसरी। हमारा काम तो लड़कों का होता है 2 मिनट का, जल्दी जल्दी किया और चले जाते हैं वापस, है ना। इनका काम होता है एक अच्छा नहीं लगा सूट तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा तो चौथा, फिर दुकान खुला के रख देते हैं एक सूट के पीछे। क्या कर रहे हैं, अब रुकना तो पड़ेगा ही, अब लेके आए तो लेके भी जाना पड़ेगा घर को साथ इनको। पहले बड़ी देर में गाड़ी में बैठा रहा, ऐसे ही मैं गाड़ी से उतरा, घर आया तो अंदर कोई भी नहीं, मम्मी भी ऊपर गया, डैडी जी भी ऊपर, दीदी भी ऊपर और जो जिनके दुकान है वो भी ऊपर गए हैं। कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं है। देखो 4 बजने वाले हैं, 4 अभी घर पे काम करना जाके, 5:30 बजे फिर वापस आना है। इनको कौन बताए हमारे अंदर के कष्ट, बैठ के देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और वो निकलवाइया रजाइया, पहले सारा सामान खिला रहा है ना, एक चीज लेनी थी दुकानदार, सामान इकट्ठा करते रहते पीछे से, 3-4 रजाइयां कढ़ाती हैं, 5 सूट कढ़ाते हैं। एक बार फिर से भाई गाड़ी में आ गए, अब फिर से मैं और दीदी जा रहे हैं दौलतपुर में। ऐसा होता है कि गाड़ी को ज्यादा प्रेफर तो करता नहीं है मैं, क्योंकि ज्यादातर तो खड़ी रहती है कि ड्यूटी जाना होता है, ड्यूटी के बाद आके सो के थोड़ा बहुत दुकान घर को होता है वो कर लिया। आज ऐसा टाइम लगा बड़े दिन के बाद कि गाड़ी निकालने का मौका मिला, कम से कम 1.5 हफ्ते के बाद। आज सुबह भी निकाल लिया, शाम को भी निकाल रहा हूँ, तो चलते हैं अब बाल कटवाने हैं और दीदी बैठ जाएगी उतनी देर बोझे के पास में, साथ साथ में ये दुकान के सामने घर है उसके सामने दुकान है, तो चलो मिलते हैं आपको सैलून में। लो भाई कटिंग भी डन, और तेरा काम नहीं खत्म होया ओए भाई जी, आज बुआ जी मत टेक दे। तो दीदी को ये डॉग्स के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, तो इसलिए दीदी इनको हमेशा लेके आते हैं बिस्किट ना, इनके बिस्किट खाने की देर है, जैसे ये बिस्किट खाते हैं हम चले जाएंगे घर को। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, एंड टेक केयर, बाय बाय। ये देखो देखो इनको।